फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सुपर टेस्टी मटन करी बनाने का एकदम नया, अलग और आसान तरीका शेयर कर रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 750 ग्राम मटन लिया है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से क्लीन एंड वॉश करेंगे। साथ ही में 4 मीडियम साइज की प्याज ली है, तो इसमें से 2 प्याज का हमें यहाँ पर पेस्ट बनाना है और 2 प्याज को हम स्लाइसों में कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने मटन को अच्छे से 3 से 4 बार धो लिया है और इसके अंदर जितना भी पानी था उसको हमने अच्छे से रिमूव कर दिया है। तो चलिए अब हम प्याज को कट कर लेंगे। तो इसके लिए देखिएगा, प्याज को हमें गोल कट करना है। गोल कटी हुई प्याज का मटन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसी तरीके से देखिएगा, हम बाकी के एक प्याज को और कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने 2 प्याज को काट कर तैयार कर लिया है और अब देखिएगा, हाथों से हम इसके हर एक पेटल को अलग अलग कर देंगे, ये देखिएगा इस तरीके से। और अब बाकी के 2 जो हमारे प्याज बचे हुए हैं उनको मोटा मोटा काट कर हम एक मिक्सर जार में डालेंगे। 25 से 30 कलियां लहसुन की डालेंगे। 2 इंच अदरक के टुकड़े को हमने इस तरीके से पतला पतला काट लिया है, इसको भी डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी डालकर हम इनका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, हमने प्याज का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पर देखिएगा, इसका एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और अब इसी जार में हम 2 मीडियम साइज के टमाटर को भी मोटा मोटा काट कर डाल देंगे। टमाटर को काट कर ही डालें वरना ठीक से पिसेंगे नहीं। साथ में 2 हरी मिर्च भी डालेंगे और इनका भी हम एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ गैस पर हमने एक कुकर रख लिया और उसमें 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। और तेल भी अब बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें कटे हुए प्याज को डालेंगे। और अब मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को देखिएगा बीच बीच में इस तरीके से चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे। प्याज को हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। तो यहाँ पर देखिएगा, प्याज बहुत ही अच्छी तरीके से गोल्डन कलर की हो गई है, इस पर बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो इस टाइम पर अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा लिया है, 15 से 20 दाने काली मिर्च के लिए हैं, 1 स्टार फूल लिया है, 5 से 6 लौंग ली हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 टुकड़ा जावित्री, 2 बड़ी इलायची और 4 छोटी इलायची ली हैं। इन सभी को डालेंगे, साथ में 2 तेजपत्ता भी डालेंगे। और सभी मसालों को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए भूनेंगे। और गैस की फ्लेम हमने इस टाइम पर लो टू मीडियम रखी है। और अब हम इसमें प्याज, अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी डालेंगे। और इस पेस्ट को भी अब हमें बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज के पेस्ट को भी हमें जब तक भूनना है जब तक कि प्याज के पेस्ट का जो कलर है वो अच्छे से गोल्डन कलर का ना हो जाए। तो देखिएगा, इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पर प्याज को भूनेंगे। और अब देखिएगा, प्याज बहुत ही बढ़िया से भुन गई है, प्याज पर बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। ये देखिएगा कितना बढ़िया कलर आया है। फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से 2 तरीके से प्याज इसमें भुनकर डालेंगे ना, दोनों का अपना अपना अलग ही फ्लेवर निकल कर आएगा और मटन करी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब हम इसमें मटन को भी ऐड कर देंगे। और अब मटन को देखिएगा, प्याज के साथ मिक्स करते हुए हमें 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनना है। इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे। अगर हम इसको लो फ्लेम पर भूनेंगे तो मटन जो है पानी रिलीज करने लगेगा, इसलिए हम इसको पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे। हमें इसको जब तक भूनना है जब तक कि मटन का कलर चेंज ना हो जाए, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा व्हाइट ना होने लगे जब तक हम मटन को भूनेंगे। तो मटन को भूनते हुए यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं और मटन का कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच भर का कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा कम होता है और इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही में इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर भी डालेंगे। और मसालों को मटन के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। और इस टाइम पर अब हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। और अब मीडियम फ्लेम पर हमें देखिएगा मटन की बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से मटन भुनेगा ना उतनी ज़्यादा टेस्टी हमारी मटन करी बनकर तैयार होगी। मटन को इस तरीके से मसालों के साथ भूनने से मटन के अंदर की जो स्मेल होती है वो भी निकल जाती है और मटन अंदर तक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। मसालों को भूनते हुए देखिएगा, लगभग 2 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसको ढक देंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर भूनेंगे। और बीच बीच में ढक्कन हटाकर हम इसको चलाते भी रहेंगे वरना मटन नीचे लग सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, मटन को भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। और टमाटर डाल दिया है तो इसी के साथ हम इसमें नमक भी डालेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें नमक डालें। मैं यहाँ पर इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। साथ ही में हम बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर 2 चम्मच भरकर इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे,
और 2 चम्मच भरकर हम इसमें मीट मसाला डालेंगे। मीट मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो यहाँ पर सभी मसालों को हम मटन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और सभी मसालों को हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है। मसालों के साथ जब मटन की भुनाई होगी तो मटन के अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और मटन बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो पहले हम यहाँ पर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मसाले हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो चलिए अब हम कुकर को ढक देंगे और 10 मिनट के लिए हम इनको लो फ्लेम पर भूनेंगे। और 10 मिनट के बाद ये देखिएगा हमारे सभी मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गए हैं और अभी से मटन में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मसाले भी बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से मटन करी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। स्पेशली जब आपके यहाँ पर कोई गेस्ट आ रहे हो, जब आप इस तरीके से मटन करी बनाइएगा, इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर टोटल इसमें 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। परफेक्ट ग्रेवी के लिए देखिएगा पानी आप मटन में इतना डालिए कि मटन उसमें अच्छे से डूब जाना चाहिए। तो देखिएगा ग्रेवी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें 3 सीटियां लगाएंगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देंगे। और उसके बाद जब इसका प्रेशर खुद से रिलीज हो जाएगा जब हम कुकर का ढक्कन हटाएंगे। कुकर हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तो चलिए अब इसका ढक्कन हटाकर इसको चेक करते हैं। और ये देखिएगा वाओ, सुपर टेस्टी हमारी मटन करी बनकर एकदम तैयार है। ये देखिएगा एकदम परफेक्ट ग्रेवी बनकर इसकी तैयार हुई है और ग्रेवी का टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। और मटन का कलर भी देखिएगा कितना बढ़िया आया है, बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। बहुत ही टेस्टी मटन करी बनकर तैयार हुई है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर ये चावल सिखाया जाता है तो इसलिए मैंने इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा पतला रखा है। चलिए अब आपको चेक कराते हैं कि मटन पूरी तरीके से पका है या नहीं पका है। तो देखिएगा जब हम इसको इस तरीके से काट रहे हैं, बहुत ही आसानी के साथ ये कटकर अलग हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो मटन है बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया है और अंदर तक एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रेट करा हुआ जायफल, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मटन करी में। और 1 से 2 चम्मच हम इसमें देसी घी डालेंगे, देसी घी से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे। और 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर हम इसको चेक करेंगे और ये देखिएगा क्या गजब की खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अभी इसके अंदर से। तो इस टाइम पर चाहें तो आप इसमें फ्रेश कटा हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए गैस की फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की बनाई सुपर टेस्टी मटन करी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।